नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संदीप बागोरिया में। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कोरोना वायरस के ऊपर। दोस्तों मैंने उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि कोरोना वायरस भारत में कितना विकराल रूप लेता जा रहा है। कुछ ही दिन में, 2-3 दिनों में ही इसके 28 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में। और चाइना से शुरू हुआ ये, चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस आज पूरे दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है जिसको मैं वीडियो बनाकर आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए कि इसको, इस वायरस को लेकर एक तो पैनिक ना फैलाएं, ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी ना फैलाएं, सब्र और समझदारी से काम लें, ठीक है। अगर दूसरी चीज़ ये दोस्तों के इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल फ्लू की तरह ही होते हैं, जैसे कि कफ कोल्ड और फीवर, ठीक है। इसके साथ अगर कफ कोल्ड फीवर के साथ साथ अगर आपको ब्रीथिंग में, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी सी घबराने की बात है, तब आप डॉक्टर के पास जाइए। निमोनिया जैसे कुछ लक्षण लग रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। देखिए दोस्तों अभी तक इसका कोई भी इलाज या कोई भी दवाई नहीं बनाई गई है, बट यही है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो इससे सर्वाइव हो जाएगा और जिसका वीक है उसको साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्पेशली बच्चे और बुज़ुर्ग इस बच्चे और बुज़ुर्गों को इस वायरस से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो किसी भी फ्लू से इससे बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इनके लिए खास प्रिकॉशन बरतें। इसके लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको लगता है कि किसी भी बंदे को कोल्ड फ्लू वगैरह है, खांसी जुकाम छींक वगैरह ये है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, ठीक है। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो कैसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये कैसे फैलता है, ठीक है, या आप उससे कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों इस, ये जो वायरस होता है ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, साइज़ में आम बैक्टीरियाज के मुकाबले ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, जैसे किसी को छींक आती है, ठीक है, या कोई खांसता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि उसके, जैसे कोई छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ड्रॉपलेट जो थूक वगैरह जो निकलता है उसके मुंह से, वो अगर आपके आँख नाक या मुंह के ज़रिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये वायरस आपके अंदर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी इंसान छींक रहा है तो उससे कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए, छींक रहा है, खांस रहा है या जिसको कोल्ड वोल्ड है उससे 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा अगर हो सके तो दोस्तों अगर उस बंदे को मास्क दे दीजिए या उस बंदे को मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल लेयर मास्क N95 इनफ है। अगर वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल सा इस तरीके का मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का मास्क, ये देखिए जो नॉर्मल पॉल्यूशन मास्क है ये यूज़ कर सकते हैं। इस मास्क को यूज़ करने के लिए, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस, ये मास्क यूज़ कर रहे हैं आप, इसको डेली बेसिस पे आप गर्म पानी से धोइएगा, वॉश कीजिएगा गर्म पानी से, ताकि बैक्टीरिया आपको, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत वो भी हो, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है इससे, लेकिन बहुत काफ़ी वो है, लेकिन इसे फिर भी धोइएगा, ठीक है, गर्म पानी से। अच्छा दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप जैसे मास्क पहन लेते हैं, सपोज यू मास्क पहन लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बार बार आपको ये वाला जो पोर्शन होता है, सपोज यू, तो ये वाला जो पोर्शन, इसको बार बार टच ना करें, ठीक है दोस्तों, इस को टच नहीं करें, क्योंकि जो बैक्टीरियाज है वो सारे यहीं जमा होते हैं, बार बार आप टच करेंगे तो ठीक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कि आप, ये सबसे अच्छी रहेगी कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएं ही ना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखिए, भीड़ भीड़ में किसी को पता नहीं होता कि भाई किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है इन्फेक्शन, तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि पेन हो गया या फिर दरवाजे का डोर हो गया, नॉब होगी, या कंप्यूटर लैपटॉप्स जो कि कॉमन है कोई और भी यूज़ करता है, ठीक है, या स्टेयर्स जो होती हैं उनको पकड़ के, जैसे आप चलते हो स्टेयर्स पे जो साइड में रॉड्स लगी होती हैं उनको, या कुछ कॉमन चीज़ें जो और लोग भी छूते हैं तो आप उनको थोड़ा छूने से बचें, अगर छू भी लेते हैं, लेकिन छूना कई बार होता है कि छूना पड़ेगा ही, तो आप अपना हाथ कम से कम 1 मिनट तक साबुन से ज़रूर धोएं, ठीक है, साबुन से ज़रूर धोएं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप सैनिटाइज़र अगर आपको मिल जाता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, तो आप वो अगर मिल जाता है तो वो यूज़ करें, ठीक है, सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत सही रहेगा। छोटे बच्चों से, बुज़ुर्गों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ऐसे लोग जिनको ये इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ माताएं बहनें क्या होता है भाई, कुछ लोग हैं जो नहीं खरीद सकते हैं मास्क, तो अपने नॉर्मल चुन्नी जो होती है उसको डबल फोल्ड करके बांध सकते हैं, वो भी इनफ है, वो काम कर जाएगा, ठीक है दोस्तों।
इसके अलावा आपको जरा सा भी इन्फेक्शन होता है तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो डॉक्टर से सलाह लेने की है। अभी तक तो कोई बीमारी नहीं हुआ है, बट इसका जो अभी तक नॉर्मल इलाज है वो पैरासीटामोल वगैरह से किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, साथ ही साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ये 27-28 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये वायरस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी आएगी, ये टेम्परेचर सॉरी ये वायरस अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक अभी तो थोड़ा सा नम दिन है, सुबह शाम की ठंड होती है, लेकिन तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए दोस्तों उस टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बरतनी है, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपके साथ साझा कर देता हूँ। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है इसका देखिए एक चीज़ ये है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि नम शरीर या कुछ हो रहा है, तो देखिए गर्म पानी से गरारे करने बिल्कुल ना भूलें, ज़रूरी है गर्म पानी से गरारे करने, गागल्स करने, ठीक है, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक सेव हो सकते हैं। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई गैदरिंग से बचें, ठीक है, और पैनिक बिल्कुल ना फैलाएं, डॉक्टर्स की सलाह लें, और अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है, आपको कुछ फील हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लें। सारी प्रिकॉशंस और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डरने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी सहायता रखें। और एक मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि हाथ मिलाने से थोड़ा सा बचिए। कुछ नहीं पता होता किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है वो भी भाई, उससे भी उसके लिए भी ठीक है कि आप किसी से भी हाथ ना मिलाएं। भारतीय सभ्यता में दोस्तों नमस्ते कहा जाता है, तो आप भी नमस्ते करके काम चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखिए, फॉरनर्स जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, फिलहाल कुछ टाइम के लिए देखिए उनसे बच के रहें, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अभी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हुई है इटली से जो लोग आ रहे हैं, या इटली के जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, या चीन के जो आ रहे हैं, या चीन जो जा रहे हैं, उनसे इन्फेक्शन हो रहा है, तो दोस्तों कुछ टाइम के लिए फॉरनर से टूरिस्ट से डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है दोस्तों, उनसे दूरी बना के रखिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट दोस्तों फिर भी ये ज़रूरी है, हमें अपने देश के लिए अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर गया हूँ, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी अगर चीज़ें मिस कर गया हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ भी अगर मिस करेंगे तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सचमुच अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।